फ्रेंड्स, मैं इंस्टाग्राम पर भी सुपर डुपर एक्टिव रहती हूँ। यदि आप स्किन केयर, हेयर केयर और मेकअप से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे। वर्षा ब्यूटी केयर के नाम से ही मेरी इंस्टाग्राम आईडी है दोस्तों, वहाँ भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आशा करती हूँ दोस्तों कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मैं अपने चैनल पर मेकअप ट्यूटोरियल भी शेयर करती हूँ। मेकअप से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, हैक्स और टिप्स मैं शेयर करती रहती हूँ। हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि मैं बहुत ही आसान और सिंपल से तरीके से आपको मेकअप के बारे में बताऊं, जिससे आप आसानी से मेकअप कर सकें। अभी जैसा कि गर्मियां आ गई हैं, गर्मियों में हम सभी जानते हैं कि मेकअप ना काफ़ी बार मेल्ट होने लगता है और केकी हो जाता है और पैचेज आ जाते हैं और मेकअप जो है अच्छा नहीं दिखता है। यानी कि मेकअप में कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप देख रहे हो, दरारें आ जाती हैं, अच्छा नहीं लगता है, मेकअप मेल्ट होने लगता है, बहने लगता है, पसीने से निकल जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आपको मेकअप के बारे में बताने जा रही हूँ, जिससे आप बहुत आसानी से मेकअप कर पाएंगे और आपका मेकअप अच्छा भी दिखेगा। और ये एकदम क्विकली वाली ट्रिक है। अगर आपने कहीं जाना है, जल्दबाजी में है, ज़्यादा कुछ करने का इरादा नहीं है मेकअप में, तो आप इस सिंपल से तरीके से अपना मेकअप कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं दोस्तों कि ये सिंपल सी ट्रिक कौन सी है। और दोस्तों, आज के इस मेकअप में ना मैं कोई भी फाउंडेशन स्टिक या फाउंडेशन लिक्विड फाउंडेशन या कोई फाउंडेशन स्टिक कंसीलर ऐसा कुछ भी यूज नहीं करने वाली हूँ। जी हाँ, आप इसे बोल सकते हो कि नो मेकअप मेकअप लुक चैलेंज है एक, तो ऐसा आप बोल सकते हो कि नो मेकअप मेकअप लुक की ये वीडियो है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। और जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया कि आज मैं कोई भी फाउंडेशन या कंसीलर का यूज नहीं कर रही हूँ, तो आपको इस मेकअप के लिए सिर्फ दो ही चीजें चाहिए। एक आपको चाहिए मेबलिन फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर। वैसे तो आप किसी ब्रांड की यूज कर सकते हो, बस आपको एक कॉम्पैक्ट पाउडर ऐसा चाहिए जो आपकी स्किन शेड से, यानी कि आपकी स्किन टोन से एक या दो शेड डार्कर हो। और एक कॉम्पैक्ट पाउडर आपको ऐसा चाहिए जो आपकी स्किन टोन के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा लाइट हो, एक शेड लाइट हो। तो इस चीज का ध्यान रखना है, एक कॉम्पैक्ट पाउडर आपने अपनी स्किन टोन के हिसाब से थोड़ा डार्क लेना है और दूसरा कॉम्पैक्ट पाउडर आपकी स्किन टोन के हिसाब से थोड़ा सा लाइट होना चाहिए। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, बस आपको दो ही कॉम्पैक्ट पाउडर चाहिए और आप किसी भी ब्रांड की यूज कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। और मैं यहां पर सबसे पहले ले रही हूं मेबलिन फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर। ये मेरी स्किन टोन के अकॉर्डिंगली ही है, वैसे तो बस थोड़ा सा डार्क है, बहुत ज्यादा भी डार्क नहीं है, हल्का सा डार्क है। और एक मेरे पास है ये फेसिस कैनेडा की कॉम्पैक्ट पाउडर, जो कि थोड़ा लाइट है मेरी स्किन टोन पर, जैसा कि आप देख सकते हो। तो बस आपने यही लेना है। सबसे पहले आपने क्या करना, मैं अपनी स्किन केयर रूटीन यहाँ पर कर चुकी हूँ, जो भी मैं फॉलो करती हूँ, सभी स्किन केयर जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करती हूँ स्किन केयर रूटीन में, वो मैं कर चुकी हूँ आज की स्किन केयर रूटीन। तो सबसे पहले मैं इस कॉम्पैक्ट पाउडर को लूंगी और यहाँ सबसे पहले मैं कलर करेक्शन करूंगी, यानी कि जो भी थोड़े बहुत डार्क सर्कल्स हैं, पिगमेंटेशन है, उसे हाइड करेंगे। तो आपने डार्क कॉम्पैक्ट पाउडर लेना है सबसे पहले। मुझे इतनी ज़्यादा डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम नहीं है, आप भी बाबू सोना से बातें मत कीजिएगा भाई, नींद पूरी लीजिएगा, क्योंकि जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम वैसे भी कभी नहीं होती है। डिफरेंस आप देख सकते हो, ये देखिए। तो ये देखिए, मैंने सबसे पहले अपने डार्क सर्कल्स वगैरह को अच्छे से हाइड कर लिया है डार्क कॉम्पैक्ट पाउडर की हेल्प से। अब मैं ये लाइट कॉम्पैक्ट पाउडर लूंगी और इसे पूरे फेस पर अपने अच्छे से लगा लूंगी। और अब हल्का सा मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर लूंगी यहाँ पर स्विस ब्यूटी ये आईब्रो पाउडर की हेल्प से। नेक्स्ट में यहाँ पर ये फेसिस कैनेडा मेकअप फिक्सर से अपने मेकअप को फिक्स कर लेंगे। कोई भी अपना फेवरेट लिपस्टिक लगा लीजिए। नेक्स्ट मैं यहाँ पर हाइलाइटर लगा रही हूँ। हाइलाइटर लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मुझे पसंद है इसलिए मैं यहाँ पर हाइलाइटर लगा रही हूँ। वो पसंद है तो आप लगा लीजिए आईलाइनर और मस्कारा, लेकिन मैंने अभी बिल्कुल ही सिंपल सा आपको ट्रिक बताया है, तो मैंने ज्यादा भी कुछ नहीं लगाया है। तो ये आपकी इच्छा है कि आप लगाना चाहें तो लगा सकती हैं।
तो ये देखिए मैंने विंग स्मोकी आई लुक कर लिया है और इसकी वीडियो आपको मेरे इंस्टाग्राम रील्स में देखने को मिल जाएगी, वहां भी मैं मेकअप ट्यूटोरियल वगैरह शेयर करती रहती हूँ दोस्तों और मेकअप टिप्स शेयर करती रहती हूँ, तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लेना। वैसे बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो नॉर्मल विंग आई लाइनर भी लगा सकते हो, मैंने थोड़ा सा स्मोकी लुक देते हुए लगाया है। आई होप दोस्तों कि आपको आज का ये नो मेकअप लुक वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल बटन से प्रेस कर देना दोस्तों। मैं ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोज आप लोग के लिए और भी लेकर आती रहूंगी। और दोस्तों प्लीज मेरे शॉर्ट्स की वीडियो भी जरूर चेक कर लेना, वहां पर भी मैं बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, मोज पर भी। मैं आपसे मिलती हूँ ऐसी हेल्पफुल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।